हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी वक्त मैं जोधपुर स्टेशन में ट्रेन में बैठी हूँ, जा रही हूँ जयपुर शादी के लिए। एक शादी है जयपुर में, तो वही अटेंड करने के लिए जा रही हूँ। आज सैटरडे है और करीब टाइम हो रहा है 4, तो हमारे ट्रेन जस्ट अभी अभी रवाना हो चुकी है। हम लोग अभी चल रहे हूँ और हमारा ये न्यू वीडियो में आप सबको स्वागत करती हूँ। आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आशा करती हूँ। आज सैटरडे है और कल संडे मिल गया, तो इसीलिए जा रही हूँ। आज शादी भी अटेंड कर लूँगी और कल पूरे दिन हम लोग जयपुर में घूम सकती हूँ, तो इसीलिए प्लान किया। हम 4 जने जा रही हूँ, मैं, संदीपन और संदीपन के 2 कलीग्स जा रहे हैं, और बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ। हम सब मिल के इन्जॉय करना है और बहुत ही बाहर का प्लेस बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों के साथ ना बहुत दिन बाद मैं मीट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न था, इसके वजह से नहीं कर पाई। इतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ। अभी से मैं डेली ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी। मैं तो कलकत्ता में थी, पर वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। करीब 15 दिन होने वाला है, हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद मैं कुछ शूट कर रही हूँ, उसके आगे कुछ भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। जोधपुर से जयपुर का डिस्टेंस 6 घंटा का, तो हमारे अभी ट्रेन में, मतलब जयपुर स्टेशन में हम लोग पहुंच चुकी हूँ। करीब टाइम हो रहा है 9, तो यहाँ से उतर के हम लोग शादी वाला जगह पर ही जाने का बात तो हुआ था, इसलिए मैं रेडी होके ही आई हूँ। सज धस के एक गाउन पहनी थी। ट्रेन में ट्रेवल करने के टाइम तो दिक्कत तो होती ही है, पर फिर भी मैं मतलब यहाँ से ही जाना है, तो इसीलिए मैं रेडी होके ही आई हूँ घर से। स्टेशन से निकल चुकी हूँ। पीछे देखो स्टेशन है, होटल। एक्चुअली भैया लोग जो गए हैं ना, वो होटल अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए, पता नहीं कहाँ है। संदीपन को तो लोकेशन भेज दिया, वो अभी चेक कर रहे हैं। उनके पास ही हम लोग अभी चल रही हूँ, जा रही हूँ।
पीछे है ना ये जयपुर का मेन बस स्टॉप, तो यहाँ पे आगे हम लोग खड़ी हूँ। पता नहीं वो लोग आगे कहीं पर होंगे, हम लोगों को बोला यहाँ पे रुकने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग ऑटो लेके आए और हम सब अभी जा रही हूँ शादी वाला जो जगह है ना वहाँ पर। एक्चुअली हम लोग आए हों संदीपन के ये कलीग्स के शादियों में, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली बाराती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लिए जो यहाँ पे किया गया ना मेहमानदारी के लिए, खातिरदारी के लिए जो यहाँ पे स्टॉल लगे हैं ना, वो ही अभी शुरू हो चुका है क्योंकि भूख जोर से लगी, सबको लगी है। 6 घंटा ट्रैवल किया, ट्रेन में मिला चाय मूंगफली ये सभी हम लोग खाए थे और दोपहर में खा के आए। अभी टाइम हो रहा है रात के 11। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे क्या था मैं एक्चुअली भूल रही हूँ, डोसा, डोसा एक्चुअली डोसा था। तो डोसा स्टार्टर में और भी बहुत कुछ था, पर हम लोग तो मेन कोर्स ही खाने वाली हूँ इसलिए सिर्फ यहाँ से हम लोग लिया डोसा। बाकी ये खाने के बाद हम लोग मेन कोर्स के तरफ ही चले जाएंगे। लोग पहले खाना खाते हैं, मेन खाना खाते हैं, उसके बाद जो डेजर्ट वगैरह होता है वो खा लेते हैं, मिठाई वगैरह। पर हमने सबसे पहले डेजर्ट खा ली, उसके बाद मेन कोर्स जो राइस वगैरह रोटी वगैरह था उस तरफ हम लोग मतलब वो लिया। थोड़ा सा बस। हाँ हाँ ठीक है।
रात के 12:10 हो रहा है और अभी तक शादी का कोई नाम निशान है ही नहीं, मतलब शुरू हुआ ही नहीं, पता नहीं कब होने वाला है और पता नहीं हम लोग कभी यहाँ से निकलूंगी होटल की तरफ। नींद बहुत तेज नींद आ रही है, पता नहीं कब जाऊंगी होटल रूम पे। और संदीपन और बाकी दो भाई हैं, वो लोग अभी स्टेज पर मतलब दूल्हे राजा जहाँ पे बैठे हैं ना वहाँ पे मीट करने गए हैं। मैं अकेली यहाँ पे बैठी हूँ और ठंडा तो पूछो मत, बहुत ज़बरदस्त ठंडा है यहाँ पे। एक्चुअली जोधपुर में भी जो ठंडा है ना यहाँ पे भी वही है, पर रात भी काफ़ी हो चुका है, उसी हिसाब से मैं इतना मोटा टाइप का एक जैकेट पहनी हूँ फिर भी मुझे ठंडा लग रहा है। सोचो कितना हो सकता है ठंडा। यहाँ पे चल रहा है संदीपन का फोटो शूटिंग। वरमाला हो जाने के बाद हम लोग आ चुकी हूँ होटल के तरफ, क्योंकि ऑलरेडी 1:30 बजने वाला है, हो चुका है। हम लोग होटल पहुँचते पहुँचते 1:30 तो बज चुका है और ये हमारे होटल रूम मतलब होटल है जहाँ पे हम लोग आज रात को स्टे करने वाली हूँ, कुछ घंटे के लिए ही बस, क्योंकि सुबह उठ के फिर तो निकलना ही होगा। तो ये हमारे फर्स्ट फ्लोर पर ही हमारे रूम बुक किया गया था। सो गाइज, इसी वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, सब हैप्पी रहना, खुश रहना और हमेशा स्माइल करते रहना। ओके, टाटा बाय, गुड नाइट।